अभी YouTube में एक नया वाला ड्रामा चालू हो गया, हर दिन लोग डालते हैं बॉट ए न्यू बाइक, बॉट ए न्यू कार, गेटिंग डिलीवरी ऑफ माय न्यू कार, गेटिंग डिलीवरी ऑफ माय न्यू बाइक, बुक्ड ए न्यू बाइक, बुक्ड ए न्यू कार। भाई ये सब वीडियो में कभी भी कोई बुकिंग या डिलीवरी होता नहीं है। भाई ऐसे लोगों क्यों चूतिया काटते हैं? ये सब वीडियो में पिंड कमेंट में ऐसा रहना चाहिए, वीडियो डिस्क्लेमर, नो बाइक्स और कार्स वेयर बुक्ड इन दिस वीडियो। भाई ऐसा क्लिकबेट टाइटल डाल के लोगों का टाइम वेस्ट मत किया करो, इट्स ए क्राइम। चलो अभी आप देख सकते हो कि टोटली 642 किलोमीटर्स एंड तेल टोटल खत्म हो गया, ओनली नेक्स्ट मे बी 40 किलोमीटर्स ही जाएगा। सो इफ यू रिमेंबर लास्ट वीक अपलोडेड ए वीडियो, उस दिन टोटल चला था 6119 किलोमीटर्स एंड टोटल उस दिन दिखा रहा था 40 किलोमीटर्स का रेंज एंड उस दिन हमने पूरा फुल टैंक किया हुआ था। तो अभी जो है टैंक ऑलमोस्ट इज नील, मतलब सेम टू सेम हुआ है। सो टोटल अभी 6119 किलोमीटर से अभी हुआ है 6422 किलोमीटर्स। उस दिन हुआ था टोटल तेल का टैंक फ्यूल फुल हुआ था। सो बोल सकते हो अभी कैलकुलेट करके कौन बता सकता है कि एग्जैक्ट माइलेज कितना आया। 48 लीटर्स भरा हुआ था टोटल, टोटल रेंज वाज शोइंग 400 किलोमीटर्स, बाकी दिखाया है क्लोज टू 300 किलोमीटर्स एंड हुआ है अभी 6119 से 6422 किलोमीटर्स। लेट्स सी हु कैलकुलेट्स द माइलेज फर्स्ट। चलो अभी देखो कैसा पार्क होता है वो ऑटोमेटिक, मैं कुछ भी नहीं छूने का, ऑटोमेटिक जैसे ऑटोमेटिक होते होते अगर ठुक गया गया बेटा। मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच चुका है सोचो, मतलब टेक्नोलॉजी को सैल्यूट मारना चाहिए। वी आर लिविंग इन द बेस्ट ऑफ आवर टाइम्स। अभी ये जो है वाज यूजिंग द पार्क असिस्टेंट, बाकी इसमें और एक है रिवर्स असिस्टेंट, ये मैं कभी यूज नहीं करता, कभी किसको यूज करके देखें। भाई इतना पैसा दिए मतलब कभी ना कभी इसको टेस्ट तो करेंगे। जो पार्क असिस्टेंट वाला फीचर तो बहुत ज्यादा यूज होता है पार्किंग में, टोटल कुछ छूता भी नहीं, वो ऑटोमेटिक पार्क हो जाता है। बाकी जो रिवर्स असिस्टेंट वाला मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया, हाँ दो तीन बार यूज किया है, तो अब नॉर्मल मेरे को लगता है कि रिवर्स असिस्टेंट इतना ज्यादा काम का नहीं है। बाकी पार्क असिस्टेंट एक्चुअली बहुत ज्यादा काम करता है। मतलब व्हेन आई सिलेक्टेड द कार, जब मैं इसको एड ऑन मतलब कॉन्फिग कर रहा था, तब मेरे को ये वाला एड ऑन एक्चुअली बहुत ज्यादा वेस्ट लगा, बिकॉज इट वॉज लाइक 2.2 or 2.3 lakhs। मेरे को लो 2 lakh देके पार्क असिस्ट लेंगे इंडिया में तो काम करेगा नहीं करेगा, बाकी आने के बाद उनको मालूम पड़ा ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सो नॉर्मली मेरे को कार के अंदर व्लॉग करने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि ड्राइव करने के टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बहुत कुछ बात करके डिस्कस करके बोला व्लॉग में डाल भी सकते हैं। सो अभी इन कार व्लॉगिंग के लिए मैं नॉर्मली कैमरा ऐसे पकड़ के व्लॉग नहीं करता, बिकॉज इट्स नॉट सेफ। सो मेरे लिए कार के अंदर बहुत सारा माउंट चाहिए, कैमरे के लिए एक माउंट भी है, बोला मैं और किसी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। आज के लिए मैं आपको एक माउंट दिखाने वाला हूँ, एक मस्त वाला माउंट है। सो बेसिकली ये जो माउंट में आप बहुत कुछ सामान डाल सकते हो, छोटा वाला कैमरा डाल सकते हो, गोप्रो डाल सकते हो, ऑस्मो पॉकेट डाल सकते हो, इंस्टा 360 डाल सकते हो, कुछ भी छोटा मोटा कैमरा डाल सकते हो, अपना डैश कैम भी कनेक्ट कर सकते हो। सो ये वाला माउंट आप अपने से खुद भी ऑर्डर कर सकते हो, हो सकता है मैं लिंक नीचे डाल देता हूँ। ये वाला है वो वाला माउंट। तो ये बेसिकली अपना जो मिरर है उसके ऊपर ये लगेगा टाइट होके, नीचे माउंट रहेगा। नीचे में अभी मेरे लिए तीन ऑप्शन है, मैं गोप्रो भी लगा सकता हूँ, इंस्टा 360 भी लगा सकता हूँ, ऑस्मो पॉकेट भी लगा सकता हूँ। सो इसको हम परमानेंटली ये वाला कार में रख देंगे एंड कैमरा के लिए जो सेटअप है वो मेरे आपको कभी नेक्स्ट वाला वीडियो में दिखाऊंगा। सो बेसिकली आई एम गेटिंग लेट टुडे, अभी सेटअप करके निकलना पड़ेगा। चलो बहुत लोग का ये वाला क्वेश्चन है कि सोम भाई तो कभी नीचे वाला वेरिएंट लेते नहीं, वो तो ऑलवेज टॉप वाला वेरिएंट ही लेते हैं, तो इस बार कैसा G63 नहीं हुई, कैसे ही इज गोइंग फॉर ए G350D। सो इफ यू वांट मी टू डू ए वीडियो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द G350D वर्सेस G63, मैं क्यों 63 ऑर्डर नहीं करके व्हाई एम ऑर्डरिंग द 350D, लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसका वाला पूरी डिटेल वाला व्लॉग बनाएंगे। एंड और भी एक अच्छा वाला क्वेश्चन किसने इंस्टाग्राम में डाला था कि ब्रो यू आर ऑलरेडी हैविंग ए Z4 एंड मे बी वंस यू गेट द G-Wagon, उसके बाद कैन द G-Wagon बी योर डेली ड्राइवर। सो लेट मी टेल यू, Z4 इज माई करेंट डेली ड्राइवर राइट नाउ, आई डोंट हैव एनी अदर कार्स। Audi I have already sold, और मेरा जो अलग दो तीन चार कार है वो सब कार्स मेरा ऑफिस के बंदे यूज करते हैं, आई डोंट यूज देम। सो बेसिकली Z4 इज माय डेली ड्राइवर, मैं हर दिन हर जगह Z4 को ही लेके जाता हूँ। Until unless the Z-Wagon comes, तब तक तो Z4 इज द ओनली कार विच आई एम ड्राइविंग। Z-Wagon आने के बाद उसका एक अलग वाला टेंशन ये रहेगा, बिकॉज Z4 जो है वो बहुत नीचे, उसका ग्राउंड क्लियरेंस है नहीं,
तो उसके लिए मेरे को सोचना पड़ता है कि कौन सा वाला रोड में लेके जाओ, रोड खराब नहीं होना चाहिए। जी वैगन आने के बाद वो एक अलग वाला टेंशन रहेगी, रोड मतलब पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि जी फोर नीचे है एंड ये जो जी वैगन बहुत बड़ा है, तो जी वैगन के लिए आपको रोड पूरा मोटा वाला रोड चाहिए। जब रोड अच्छा नहीं रहेगा पूरा, मतलब रोड खराब होने से चलेगा जी वैगन के लिए, बाकी रोड मोटा होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नैरो रहेगा जी वैगन जा नहीं पाएगा। तो उसके बाद नया वाला कार के लिए रिक्वायरमेंट निकलेगा कि अगर रोड अच्छा है, फास्ट रोड्स है, देन टेक द जी फोर आउट। अगर रोड खराब है, देन टेक द जी वैगन आउट। अगर कहीं एक छोटा मोटा हॉस्पिटल जाना है या कुछ ग्रोसरी लेने जाना है या फिर कहीं एक जाना है जाके मतलब बहुत पतला रोड है, तो वहाँ कौन सा कार लिया जाएगा। तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि आई शुड गो फॉर ए टाटा का ऑल्ट्रोज वाला ले लेंगे, बाकी टाटा ऑल्ट्रोज का ब्लैक वाला बहुत ही अच्छा लगता है। द ओनली थिंग इज उसका ऑटोमेटिक नहीं आता भाई, ऑटोमेटिक चाहिए, ऑटोमेटिक के बिना गाड़ी नहीं लेने का था। अगर बहुत लोग कहते हैं कि यू आर ए कार गाय, व्हाई डोंट यू गो फॉर ए मैनुअल, भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं है डेडिकेटेड कार गाय बनने के लिए, कुछ भी मतलब वो स्वैगर बनने के लिए। आई नीड ए कार टू सेव टाइम, आई नीड ए कार वेर कैन जस्ट ड्राइव एंड थिंक प्रोडक्टिवली अमाउंट अदर वर्क। ऐसा नहीं कि मेरे को मतलब मैनुअल डालने के लिए मेरे को अच्छा लगता है, मैनुअल डालने के लिए मेरे को उतना टाइम है। तो बेसिकली आई नीड समथिंग विच इज ऑटोमेटिक एंड टाटा ऑल्ट्रोज का जो ब्लैक वाला था, एक्चुअली लव द ब्लैक वन। द ओनली थिंग इज उसका ऑटोमेटिक अभी तक नहीं है। मैंने ऑल्ट्रोज का टेस्ट राइड लिया था, बाकी वो तो मैनुअल था, अभी ऑटोमेटिक कब आएगा देखते हैं। बाकी आपके हिसाब से कौन सा वाला अपना थर्ड वाला कार रहना चाहिए। माई वाइफ सेज टू गो फॉर ए मिनी कूपर, बिकॉज मिनी कूपर रहेगा तो एटलीस्ट सी कैन ऑल्सो ड्राइव एंड सी कैन टेक द रिच टू स्कूल, मतलब वो जा सकती है, छोड़ सकती है, फिर ला के भी आ सकती है, बिकॉज मेरे लिए वो टाइम मैच नहीं करेगा रिच का जो स्कूल टाइमिंग है। बाकी उसको कार चलाना भी आता नहीं है एंड आई एम एक्चुअली सर्चिंग फॉर ए सिमुलेटर जहाँ की उसको मैं छोड़ सकता हूँ कार सीखने के लिए। आई वॉन्ट माई वाइफ टू लर्न द कार ड्राइविंग इमीडिएटली, सो दैट इज द रीजन आई हैव ऑल्सो टोल्ड हर अगर तुम कार मतलब चलाना सीख जाती हो देन आई विल जस्ट गो इट एंड गेट ए मिनी कूपर। सो थर्ड कार हैज टू बी ए मिनी कूपर, अगर मतलब वो मतलब इफ शी इज नॉट एबल टू लर्न द कार ड्राइविंग स्किल्स, मे बी आई विल जस्ट गो इट एंड गेट ए टाटा ऑल्ट्रोज ऑटोमेटिक। अभी देखते हैं वो ऑटोमेटिक कब आता है। सो आपके हिसाब से कौन सा वाला रहना चाहिए अपना थर्ड डेली ड्राइवर कार, मतलब ये छोटा मोटा काम के लिए। वैसे तो मेरा जी वैगन एंड जी फोर इज गोइंग टू बी द डेली ड्राइवर, जी फोर एंड जी वैगन ऐसा हम मतलब हम प्लान करके चलाएंगे कि जी फोर अगर सुबह स्टूडियो जाता है तो ऑफिस जाएगा अपना जी वैगन, अगर जी वैगन जाता है स्टूडियो सुबह तो जी फोर जाएगा ऑफिस, ऐसा करके ऑल्टरनेटिव करके रखेंगे। सो एटलीस्ट वो एक मतलब एक्साइटमेंट बना रहेगा हर दिन के लिए। एंड बहुत लोगों का ऐसा सब इंस्टाग्राम मैसेज आता है कि भाई आप यूज वाला G63 ले लो, बहुत पैसा बचेगा, क्यों इतना पैसा खर्च करके G350D लोगे। देखो मेरे को यूज वाला गाड़ी लेने के लिए अच्छा नहीं लगता, मतलब इट्स समथिंग मुझे डोंट गेट द फीलिंग। नया वाला कार का वो जो स्मेल, नया वाला कार का जो बाइंग एक्सपीरियंस वही कुछ अलग रहता है, वही बाइंग एक्सपीरियंस सोच सोच के मतलब यू एंजॉय द कार। एंड आई एम नॉट समवन हु बायज अ कार जस्ट टू सेव मनी, इट्स समथिंग विच आई लाइक ड्राइविंग, इट्स समथिंग विच इज वेरी पर्सनल टू मी, इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू मी। एक नया कार आने का मतलब जब तक आएगा ऑर्डर करेंगे वो जो एक्सपीरियंस डिलीवरी का वो सब एक्सपीरियंस आपको हर दिन याद रहता है। यूज कार में वो मजा नहीं था, कौन कैसा उसको चलाया होगा, कौन कैसा उसको मतलब आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट लाइक यूज कार्स और यूज बाइक, इट्स समथिंग लाइक इट्स वेरी पर्सनल फॉर मी एंड आई डोंट फील लाइक ए यूज कार एंड यूज बाइक कभी भी अपना आपका नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जाम्पल S1000, यू मस्ट हैव सीन माई वीडियोज, मतलब वो एक अपनापन अलग तरह का एक मतलब बॉन्डिंग रहता है अपने कार्स एंड बाइक्स का, समथिंग विच लाइक इट्स लाइक ए फैमिली मेंबर और समथिंग लाइक दैट। सो यूज एंड कार्स एंड बाइक्स लेके भाई पैसा तो बचेगा, बाकी वो जो फील एंड वो जो एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई आई डोंट गो फॉर यूज कार्स एंड बाइक्स। एंड आई गेस अभी तक तो सबको मालूम है कि सोम भाई इज नेवर गोइंग टू गो फॉर ए यूज कार, मतलब इवन इफ यू आर गोइंग टू गेट मी अ लैम्बोर्गिनी उरुस और एवेंटाडोर फॉर 2 crores और मे बी 1 crore यूज, तभी मैं नहीं लूंगा। आई एम गोइंग टू गो फॉर न्यू वन वेन एवर आई कैन अफोर्ड। वो जो यूनाइटेड एयरलाइंस का जो इंजन जल रहा था वो वाला फुटेज देख के भाई खतरनाक फट गई। मैं तो मतलब बहुत सालों से ऐसे करता हूँ, कभी भी जब इंटरनेशनल टिकट मतलब बुक करता हूँ मैं देखता हूँ कि वो बोइंग है या एयरबस है। नॉर्मली आई डोंट प्रीफर बोइंग क्योंकि बोइंग में मेरे को मतलब उतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आई ऑलवेज प्रीफर टू गो फॉर एयरबस, मतलब 5-10-20 हज़ार एक्स्ट्रा लगे, बाकी आई ऑलवेज प्रीफर टू गो इन ए एयरबस फ्लाइट ओनली एंड दैट इज द रीजन वाई ऑलवेज मोस्टली आई ऑलवेज चूज एमिरेट्स फ्लाइट। बाकी बोइंग में भाई मतलब अगर कोई पायलट है वो बोल सकता है ये बोइंग मतलब जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्रैश हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, हर बार वो बोइंग वाले इंजिन में ही होता है। ऐसा क्यों? बोइंग में ऐसा क्या है कि हर बार इशू बोइंग रिलेटेड ही रहता है? बाकी ये वाला प्रो टिप एक ले लो आज, कभी भी जब आप कोई भी इंटरनेशनल हो या नेशनल कोई भी टिकट बुक करते हो, वो टिकट बुक करने के टाइम फ्लाइट का वो जो नंबर रहता है वो दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल EK216, ये नंबर को जाके वो गूगल में सर्च मारने का, फ्लाइट अवेयर एक वेबसाइट है, वहाँ आपको क्लियरली दिखा देगा कि ये वाला कोड नंबर
कौन सा वाला एयरक्राफ्ट है. फॉर एग्जाम्पल EK216 आपको डायरेक्टली दिखा देगा कि एयरबस A380, वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा हाँ ये एयरबस का ये वाला फ्लाइट है. अगर बोइंग वाला हो, अगर आपको मेरे जैसा मतलब फोबिया है कि आपको बोइंग में नहीं जाने का, एयरबस में ही ओनली जाने का, देन आपको देखना है अगर आपका जो सिलेक्टेड वाला फ्लाइट अगर बोइंग है आपको नहीं लेने का, अगर आपको सिलेक्टेड वाला फ्लाइट एयरबस है देन यू कैन जस्ट गो इट एंड बुक इट. मतलब इट डिपेंड्स, इट्स डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर मी आई ऑलवेज मोस्टली ऑलवेज चूज द एयरबस फ्लाइट्स ओनली.